जी कि चुनाव आयोग निश्चित रूप से अपने उद्देश्य में सफल रहेगी और शांतिपूर्ण चुनाव होगा, और छत्तीसगढ़ की तासीर ही रही है कि यहाँ पर ये शांतिप्रिय नागरिक यहाँ बसते हैं। बस्तर में कुछ अपवाद स्वरूप इस तरह की घटनाएं पास टाइम में भी हुई हैं, और जब नक्सल लोग काफी उग्र थे तो मतदान दल के ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद भी गोलीबारी करते थे, तो सदैव से चुनाव आयोग के सामने यह चुनौती रही है। और अभी जो छुटपुट घटना दिख रही, लेकिन औसत रूप से इतने सारे 12 वहां के बस्तर के या फिर 8 इधर के मतदान केंद्र हैं जो कि हजारों की तादाद में हैं, वहां पीठासीन अधिकारी से लेकर के चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी गंभीरता, उनकी संवेदनशीलता, साथ ही साथ उनका फर्ज जो है अपने देश के प्रति, अपने प्रदेश के प्रति, तो इसमें तो संदेह कर ही नहीं सकते। दूसरी बात है गांधी जी, ये जो सीट है इसमें कुछ सीट में काफी रोचक हो गया है जो मुकाबला है, और दो बस्तर का अलग ताशीर है, और ये जो 8 सीट है इसमें अलग दिखाई दे रहा है, मोहला मानपुर को छोड़ दे तो होगा, कुछ डोंगर गांव को छोड़ दे तो काफी दिलचस्प होगा चुनाव। और बढ़िया बात यह रहे कि कल बढ़िया वोटिंग का जो है परसेंटेज है वो और रिकॉर्ड उसका बन जाए, पुराना रिकॉर्ड टूट जाए, तो ये जो कुछ तत्व ऐसे हैं विघ्नकारी जो मतदान के अगेंस्ट में काम करते हैं, तो उनको एक करारा जवाब मिलेगा और लोकतंत्र की एक विजय हो सकती है गांधी जी। चलिए रविंद्र जी आज